यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले, सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है, इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। रोमा, तुम्हें खुद पता नहीं है तुम क्या करने जा रही हो। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। एक बार फिर सोच लो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। मैं हेलो रोमा। हेलो। क्या बात है, मुझे देखकर चुप हो गई? ओह नथिंग, इट्स ओके। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। इनसे मिलो, मिस्टर मित्तल, स्पीड एयरलाइंस के मालिक। हेलो। हेलो। हमारा शो इन्होंने स्पॉन्सर किया। कैरी ऑन। आई एम स्मिथ, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। देखो रोमा, तुम इतना तो मानती हो ना कि मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। एंड इवन माई एक्सपीरियंस इज मत करो। कम ऑन मेघना, अब मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैंने जो फैसला किया है वही ठीक है। पर रोमा, तुम जो करने जा रही हो। मैडम जूस। बबलू। जी मैडम। मोबाइल चार्ज हो गया? जी मैडम। लेकर आओ। ओके। कह दिया जो कहना था या और भी उपदेश देना है तुम्हें? फाइन फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट टू। एनीवेज मुझे पता है, व्हेन यू मेक अप योर माइंड तुम किसी की सुनती नहीं हो ना। मित्तल साहब, ये हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के बलबूते पर ही तो चलती है। मिस्टर सैंडी, हम आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और जब तक आप हमारे लिए फायदेमंद हैं तभी तक हमारे रिलेशन है। सर, हमने आज तक तो आपको कोई शिकायत का मौका दिया, आगे भी नहीं देंगे। मिस्टर सैंडी, शिकायत ना होना और काम से खुश होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सर, एक बार ये फैशन शो तो हो जाए फिर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सर, इतनी माइलेज और इतनी कवरेज मिलेगी, सर आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये तब होगा जब आप वो अपने। अरे सर, आप चिंता मत कीजिए, जो हमने डिस्कस किया सब कुछ वैसा ही होगा। तो ठीक है मिस्टर संडी, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। हमारी कंपनी आपको अगले एक साल के लिए इवेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट देती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रहा पेपर वर्क, वो हम लोग कल कर लेंगे। मे आई कम इन? अरे रोमा, आओ भाई आओ। तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? ये ऑफिस, यहाँ की सारी चीजें, मैं सब कुछ तुम्हारा ही तो है। एक बार हमें अपना समझ के तो देखो। Shall we talk business? Oh yeah, yes, business. हम लोग business ही डिस्कस कर रहे थे। तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी, मिस्टर मित्तल ने हमें पूरे एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और मैं तुम्हारी पेमेंट सीधे 7 लाख बढ़ा। अब तुम्हें सुपर मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम सो हैप्पी रोमा, आई एम सो हैप्पी। I'm sorry, मैं शायद गलत वक्त पर आ गया। हिमांशु छोड़ो रोमा, कहाँ तुम गली कूचे के नेताओं के पीछे, तुम फ्यूचर की सुपर मॉडल हो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट है। डोंट एवर से दैट।
हिमांशु रुको तो सही। हिमांशु ये क्या तरीका हुआ? तरीका? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये तुम चाहते क्या हो? सैंडी तुम्हें बाहों में भरे और मैं वहां खड़ा देखता रहूं? कमाल की इंडस्ट्री है ये, फैशन इंडस्ट्री। अब इस फैशन इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है रोमा, है प्रॉब्लम। मैं जन जागरण का सेक्रेटरी, मैं लोगों से कहता फिरता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता के पीछे मत भागो। और एक मेरी होने वाली पत्नी है जो बात बात पर लोगों से चिपकती रहती है। इंगेजमेंट से पहले भी तो मैं इसी इंडस्ट्री में थी, तब तो तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, या फिर आज तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं तरक्की करूं? ऑफकोर्स, तरक्की करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, बदन उघाड़ो, कपड़े पहनो, है ना? इनफ इनफ हिमांशु, ये तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी है। तुम चाहते हो कि मैं चूल्हे की दुल्हन बनकर रहूं, तुम्हारे बच्चे संभालूं और घर में पोछा लगाऊं और अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। बस दैट्स इट, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लिमिट तुम क्रॉस कर रहे हो? देखो रोमा, मेरे फ्रेंड्स ठीक ही कहते थे कि तुम एक डाउन मार्केट मिडिल क्लास मेंटालिटी के हो और रहोगे। हमें उस जगह नहीं जाने देगी जहां हमारी संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ाया जाएगा। फैशन शो के नाम पर हो रहे नंगे नाच का कितना बुरा असर हमारे समाज पर पड़ रहा है, इससे सभी भली भांति परिचित हैं। मैं अभिलाष उपाध्याय जन जागरण मंच का अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से अपील करता हूं कि आप अपनी आवाज देश भर के नौजवानों तक पहुंचाएं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम इस सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। उपाध्याय, आप यहाँ हो रहे फैशन शो का विरोध कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि आप मोरल पुलिस का काम कर रहे हैं, दूसरों की आजादी में दखल अंदाजी कर रहे हैं? मैडम, आजादी और गोलगप्पों में फर्क होता है। ये किसी सड़क के ठेले पर नहीं बिकती कि जिसका जी चाहे मुंह मार ले। आजादी के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी है और हमें ये आजादी बड़ी मुश्किलों से मिली है। हम इसे इतनी आसानी से पश्चिमी देश का, पश्चिमी सभ्यता का गुलाम नहीं होने देंगे।
जन जागरण मंच, जन जागरण मंच, नंगा नाच, नंगा नाच, नंगा नाच। एयरलाइंस के फैशन शो में मेल फंक्शन की पहली घटना। मॉडल रोमा जैसे ही स्टेज पे चली तो उनके टॉप के बटन खुल गए और ड्रेस नीचे गिर गई। देखने वाले बहुत चक्के रह गए। शो के ऑर्गेनाइजर का ये कहना है कि ये सिर्फ एक गलती थी जो किसी भी डिजाइनर के साथ हो सकती है, लेकिन मशहूर डिजाइनर जे जे कालरा का ये मानना है कि ये ऑर्गेनाइजर की एक चाल थी। सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था। हमारे साथ है शो के कोरियोग्राफर मिस्टर मैक। आइए उनसे पूछते हैं, आपका क्या कहना है मिस्टर मैन? लुक, हम लोग इस तरह की चीप पब्लिसिटी पे यकीन नहीं रखते, और वैसे भी मुझे मैक को ये सब करके कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमारे राइवल्स हमसे जलते हैं, दे आर जेलस ऑफ मी, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इट वाज एन एक्सीडेंट, सिंपली। चलिए अब बात करते हैं मशहूर डिजाइनर मिस्टर जे जे कालरा से। सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सब सोचे समझे प्लान का एक हिस्सा है। ड्रेस के बटन खुलना और हुक्स खुलना एक आसान काम नहीं होता है। It's all gimmicks. ये एक्सीडेंट है या गिमिक, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात पूरी मीडिया के सामने तो हुई है। मैं नताशा, कैमरामैन डी देव के साथ 24 न्यूज मुंबई। तो क्या वाकई में हमें रोमा से हमदर्दी जतानी चाहिए? नहीं तो क्या मुबारकबाद दूं? कॉन्ग्रेचुले तो करना ही चाहिए, मीडिया में छा गई है, रातों रात मैडम स्टार जो बन गई है। अच्छा फंसना बंद करो, चलो देखते हैं क्या हाल है रोमा का। चल चल जागरण मंच के सेक्रेटरी मिस्टर हिमांशु पर अपनी फ्रेंड रोमा का खून करने का आरोप। उन्हें रोमा के कमरे के अंदर से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। शो के ऑर्गेनाइजर मिस्टर सैंडी का ये कहना है कि दो दिन पहले रोमा और हिमांशु का झगड़ा भी हुआ था। हिमांशु नहीं चाहते थे कि रोमा इस फैशन शो में शामिल हो। वैसे हिमांशु का कहना है कि खून उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जब वो रोमा के कमरे में आए तो रोमा ऑलरेडी मर चुकी थी। अब फैसला कोर्ट के हाथों में है कि खून उन्होंने किया है या नहीं। कैमरामैन डी देव के साथ मैं नताशा, 24 न्यूज मुंबई।
योर ऑनर, हिमांशु भाटिया का अफेयर मिस रोमा के साथ चल रहा था, बल्कि हिमांशु भाटिया की एंगेजमेंट रोमा के साथ हो चुकी थी। हिमांशु उसी जन जागरण मंच के सेक्रेटरी हैं जिसने इस फैशन शो का विरोध किया था। हिमांशु नहीं चाहते थे कि रोमा इस फैशन शो में काम करे, लेकिन हिमांशु की मर्जी के खिलाफ जब रोमा ने इस फैशन शो में काम किया तो हिमांशु का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने मंच के साथियों और दुनिया के सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। रोमा ने उनकी बात को न मानकर उनकी मर्दानगी को ललकारा था और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मिस्टर हिमांशु भाटिया ने मिस रोमा का कत्ल कर दिया। मिस्टर हिमांशु भाटिया ने मिस रोमा का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को किसी ने भी अपनी आंखों से खून करते हुए नहीं देखा है, इसीलिए उसे कातिल नहीं माना जाना चाहिए। योर ऑनर, मिस्टर हिमांशु भाटिया को रोमा के कमरे से खून से सने रंगे हाथों में पकड़ा गया है। इसके लिए मेरे पास गवाह भी मौजूद है। योर ऑनर, मैं अदालत में मिस सैंड्रा को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आप क्या करती हैं? मैं मॉडलिंग करती हूँ। उस रात आप भी शो में थी? ये सर। तो आपने वहाँ क्या देखा? ड्रेस मालफंक्शन के बाद मैंने सोचा रोमा दुखी होगी, क्यों ना उसको जाके दिलासा दिया जाए। और जब रोजी और मैं उसके पास गए तो हमने देखा रोमा मरी हुई है और हिमांशु उसके पास खड़ा है। Your witness, please. क्या तुमने मेरे क्लाइंट हिमांशु को अपनी आंखों से खून करते हुए देखा? नहीं। क्या तुम लोगों को देखकर हिमांशु ने भागने की कोशिश की? नहीं। क्या तुम लोगों को हिमांशु ने धमकाने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। योर ऑनर, कोई भी कत्ल करने के बाद वहाँ खड़ा नहीं रहेगा। कातिल को कत्ल करने के बाद वहाँ से भागने की फिक्र रहती है, ना कि डेड बॉडी के पास खड़े होकर किसी का इंतजार करने की। योर ऑनर, इनके पास इतना टाइम ही नहीं था। मिस सैंड्रा और रोजी अचानक कत्ल के बाद वहाँ पहुँचे। योर ऑनर, कोई भी इतने छोटे से झगड़े की वजह से किसी का खून नहीं करेगा। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है योर ऑनर। मिस रोमा मिस्टर हिमांशु के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। चौंकिए मत मिस उज्ज्वला। क्यों मिस्टर हिमांशु, ऐसा ही था ना? हाँ, तो ये बात मैं एक्सेप्ट कर चुका था और इसीलिए मैंने रोमा से एंगेजमेंट भी की थी। झूठ। एंगेजमेंट नहीं बल्कि एंगेजमेंट का नाटक, ताकि शादी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए और सही मौका मिलने पर रोमा को रास्ते से हटा दिया जाए। योर ऑनर, यह खून बड़ी सूझबूझ और प्लानिंग के साथ किया गया है और इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मिस्टर हिमांशु को 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, ताकि पुलिस उनसे पूछताछ कर सके। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर रोमा का कत्ल कोई किस लिए और क्यों करेगा? कत्ल अगर होता है तो उसकी कोई खास वजह होती है, दुश्मनी या फिर दौलत। रोमा के पास दौलत तो थी नहीं, तो दुश्मनी ही उसकी कत्ल की वजह हो सकती है। लेकिन रोमा का दुश्मन कौन हो सकता है? कभी कभी दोस्तों में ही दुश्मन छुपे होते हैं। हमें ऑडिटोरियम और रोमा के घर जाकर ये पता करना होगा। Yeah, I think you're right. देखिए, रोमा का खून हिमांशु ने नहीं किया है। आप तो ऐसा कहेंगी क्योंकि आप हिमांशु का केस लड़ रही हैं ना। देखिए, हिमांशु को बचाने के साथ साथ मैं उस कातिल के चेहरे से नकाब भी हटाना चाहती हूँ।
मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपकी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। आप बस मुझे इतना बताइए कि इस दौरान क्या रोमा का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? क्या कोई उसे परेशान कर रहा था, या फिर कोई भी ऐसी बात जो इस केस में हमारी मदद कर सकती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। प्लीज आप याद करने की कोशिश करिए, शायद किसी के साथ पेमेंट के मामले में या फिर किसी और बारे में कोई भी बात हुई हो। देखो मेघना, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। नो, मैंने कहा ना। और हाँ, अब से मुझे उपदेश देने की कोशिश भी मत करना। ज्यादा कुछ तो नहीं, पर मेघना से रोमा की फोन पर कुछ कहा सुनी जरूर हो गई थी। लेकिन मेघना, वो ऐसा क्यों करेगी? मेघना कौन है? मॉडल। रोमा को मॉडलिंग के लिए उसी ने तैयार किया था। मेघना और हिमांशु में दोस्ती थी? रोमा हिमांशु को अपने किसी दोस्त या मॉडल से कभी नहीं मिलाती थी। और शायद ऐसा भी हो कि मेघना को हिमांशु के बारे में कुछ भी पता नहीं हो। कहाँ रहती है मेघना? मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। जिस तरह के एक्टिविटीज में रोमा इन्वॉल्व थी, उनका अंजाम यही होता है। रोमा को तुम ही फैशन वर्ल्ड में लाई और तुम ही ऐसा कह रही हो? आई अग्री, मैं रोमा को फैशन वर्ल्ड में लाई, बट मैंने उससे ये नहीं कहा था कि हर तरह की मॉरल और इमॉरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ। लेकिन रोमा ऐसे कौन से इमॉरल काम कर रही थी? मैंने रोमा को कितनी बार इन फैशन माफियाओं के साथ काम करने से मना किया था। ये मैक, सैंडी और इन जैसे न जाने कितने लोग इस माफिया के हिस्से हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया। आपको क्या लगता है, वो टॉप गिरने का सीन वाज एन एक्सीडेंट? इट वाज प्लान्ड। और ये सब उस मैक का किया कराया है, वो इन चीजों में माहिर। पर कोई अपनी प्रोडक्ट की नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों करवाएगा? क्योंकि इसी से तो फुटेज मिलता है। आपने नोटिस किया होगा, जब वो टॉप गिरने का सीन हुआ था तो बैकग्राउंड पे स्पीड एयरलाइंस का बैनर था। हर चैनल और हर न्यूज़पेपर की ब्रेकिंग न्यूज़, पब्लिसिटी। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते? क्योंकि ये ऑफर पहले मुझे दिया गया। You mean dress malfunction? I like your attitude. मुझे लगता है तुम इंडिया की सबसे स्मार्ट मॉडल होगी। Sorry Sandy, I'm not interested. देख लो मेघना, मेरे पास मॉडल्स की लाइन लगी हुई है। तो फिर उनसे ही क्यों नहीं करवा लेते? मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? There you are. इसलिए my dear, क्योंकि I like you very much. Sandy, तुम ये लाइन हर लड़की से कहते हो, बट यू नो व्हाट, दिस डज नॉट फैसिनेट मी। लेकिन इस वजह से रोमा का खून हो जाएगा, और कोई ऐसा क्यों करेगा? रोमा बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। ऐसी डीलिंग्स मोस्टली ऑफिशियल नहीं होती, पैसों में ही लेन देन होता है। सैंडी ने शायद कुछ कम पैसे दे दिए होंगे, रोमा ने कुछ ज़्यादा मांग लिए होंगे, या फिर मीडिया में जाने की धमकी दी होगी। इसका कनेक्शंस हमें ऑडिटोरियम से निकालने होंगे। यहाँ क्या करते हैं? सर, हम मेकअप रूम का अटेंडेंट है, यहाँ देखभाल करते हैं। जिस दिन रोमा का खून हुआ, तुम कहाँ थे? सर, हम यहीं पर थे सर। हिमांशु के जाने से पहले रोमा के रूम में कौन घुस गया था? सर, पहले तो कोई नहीं गया था। हाँ, हिमांशु जी के जाने के बाद सैंड्रा और रोजी मेम साहब अंदर गई थी। जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। सर, पहले तो कोई नहीं गया था। मैक, सैंडी, मित्तल या जनजागरण मंच का कोई आदमी? सर, मेरी आंखों के सामने से तो कोई नहीं गया। आंखों के पीछे से तो नहीं गया? आप मजाक कर रहे हो सर। मैं तेरी भाभी हूँ ना सर।
तू मेरा देवर है? नहीं सर। हम तुझसे मजाक क्यों करेंगे? सॉरी सर। देखो, हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम इधर उधर गए हो और उसी दौरान कोई घुस गया होगा रूम में। ना सर, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो इधर से हिले भी नहीं सर। श्योर? हाँ सर, सच कह रहे हैं सर। यहाँ जी, आप तो रोमा जी की बचपन की सहेली हैं, सब कुछ जानती होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपाएंगी नहीं। देखिए, मैं भी चाहती हूँ कि रोमा के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन वो अपने और हिमांशु के बीच की बात किसी से नहीं शेयर करती थी। क्या आप बता सकती हैं कि अपने चेकअप के लिए वो कौन से हॉस्पिटल जाती थी? वो सिटी नर्सिंग होम जाती थी, किसी डॉक्टर मंजू टंडन के पास। रोमा की दोस्त मॉडल ने हमें ये बताया कि सैंडी उसे एक तरफा चाहता था और वो उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन अगर सैंडी रोमा को चाहता था तो उसे मारेगा क्यों? मानसी, तुमने सुना नहीं, उसकी चाहत एक तरफा थी। रोमा और हिमांशु शादी करने वाले थे। एनीवेज, हमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। फते जी, और बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये फैशन शो वेन्यू में ग्रीन रूम अटेंडेंट पाटिल ने हमें ये बताया कि हिमांशु से पहले रोमा से मिलने कोई आया नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर जी? कहीं ऐसा तो नहीं कत्ल हिमांशु ने किया? मैम, आपको याद है वो सायरा वाला केस? कहीं उसके भाई जाकिर की तरह वो हम लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारे ऑप्शंस चेक करने चाहिए मानसी। एनीवेज, फते जी, आपने रोमा की कॉल लिस्ट चेक की? फैशन शो के तुरंत बाद रोमा ने सिर्फ एक कॉल किया था, वो भी उसके बॉय बबलू को। ठीक है, आप लोग सैंडी को संभालिए, हम बबलू से मिलते हैं। जी मैम साहब, मैडम ने ही हमें फ़ोन करके जूस लाने के लिए कहा था। तो तुम रोमा के कमरे में जूस लेकर गए थे? जी, अब मैडम ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बताओ, जब फैशन शो के बाद तुम रोमा के कमरे से निकल रहे थे तो क्या तुमने किसी और को वहाँ आते जाते देखा था? किसी और को? अरे हाँ मैडम, जब हम मैडम को जूस दे के निकल रहे थे तो दूसरी वाली मैडम के बॉय ने हमें आवाज़ दिया, और बदले में जब मैं पलटा तो हमने देखा कि मैडम के मेकअप रूम में कोई जा रहा था। तुम पहचानते हो उसे? उसे तो, अरे हाँ मैडम, वो आदमी कुर्ता पैजामा पहने हुए था। सर, हमारे पास ऑलमोस्ट सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के फैशन शो ऑर्गेनाइज करने के कॉन्ट्रैक्ट हैं और सब हमसे खुश हैं। सर, आई अश्योर यू, मैं आपकी कंपनी के लिए एक ऐसा फैशन शो डिज़ाइन करूंगा जो अपने आप में मिसाल होगा। जैसे वो फैशन शो एक मिसाल बन गया था, वो लड़की की वजह से कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिला था, काफ़ी पब्लिसिटी मिली थी। सर, वो तो एक इत्तेफाक था। ओ जी, वैसे कुछ कुछ इत्तेफाक साढ़े फैशन शो भी करवा दे। अगर ऐसा हो जावे तो जो असि शोरूम अमेरिका से इतने ला रहे ना, आता ना पूरी दुनिया छो जाएगा जी भाई। अब सर, इत्तेफाक बार बार थोड़ी होता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पिछले वाले फैशन शो से ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी आपको। ओ, किस तरह जी? ओ जी, जन जागरण के माध्यम से। ओ, जन जागरण मंच वाले तो खिलाफ होते हैं। अब सर, जब कोई किसी बात के खिलाफ होता है तो तभी तो ज्यादा ध्यान जाता है उस पर। अब उनके साथ मिलकर हम अलग से स्कीम बनाएंगे, लेकिन सर थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा आपका। अब जन जागरण का भी तो शेयर रहेगा ना उसमें। तुसी वो बजट दी, चिंता मत करो, बजट कुछ भी हो हमको मंजूर है, बस कंपनी का नाम होना चाहिए, बस हमारी यही ख्वाहिश है, बहुत पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। क्यों का जी, बजट क्यों होगा? बजट मैं बता देता हूँ जी, अभी हेलो हेलो उपाध्याय साहब, क्या हाल है? पिछला पेमेंट तो हुआ नहीं, तो हाल कैसे होंगे? हाँ, अब फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। आपके लिए एक नया काम है, इस बार आपके लिए कुछ अलग सा खास सा काम है।
पेमेंट बताइए क्या रहेगी? खास और अलग काम। खास काम के दुगने दाम होंगे। हाँ हो जाएगा, लेकिन काम भड़कता हुआ सा होना चाहिए। कहो तो किसी लौंडे से आत्मदाह करवा दूं? उपाध्याय जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। ओके। ये बजट रहेगा रफली और 50% एडवांस। डन। ओह माय गॉड, मतलब ये तो मिली भगत थी। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है मानसी? ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। बड़े स्तर पर भी अपने फायदे के लिए ऐसे दांव पेच खेले जाते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। और जनता तो वही देखती जो उन्हें दिखाया जाता है। अब आप क्या सोच रही हैं? सैंडी और उपाध्याय की सांठ गांठ तो हमें दिख गई, लेकिन बबलू ने बताया था कि उस दिन उसके कमरे से निकलने के बाद उसने एक और आदमी को कमरे में घुसते हुए देखा था जिसने कुर्ता पहना हुआ था। कहीं ये आदमी जनजागरण मंच का ही तो नहीं था? कहीं ये आदमी जनजागरण मंच का ही तो नहीं था? बबलू के हुलिये के हिसाब से मानसी को चेहरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। होश में तो है और आप जानती हैं आप क्या बात कर रही हैं और किससे बात कर रही हैं आप? जनजागरण मंच के अध्यक्ष मिस्टर अभिलाष उपाध्याय मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप जरा सोचिए, आपका ये असली चेहरा जनजागरण मंच के सदस्य और जनता के सामने आएगा तो आपका क्या हश्र होगा? ऐसी धमकियां मैं कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन जरा ये सुनिए, अलग सा खास सा काम है। खास काम के दुगने दाम होंगे। हाँ हो जाएगा, लेकिन काम भड़कता हुआ सा होना चाहिए। कहो तो किसी लौंडे से आत्मदाह करवा दो। वकील साहिबा, ऐसी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, और मैं कह दूंगा कि मैंने ऐसी कोई बातचीत की ही नहीं। लेकिन आपसे एक गलती हो गई, आपके पर्सनल अकाउंट में सैंडी की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से एक चेक दर्ज है। पता नहीं सैंडी की कोई कैश को लेकर मजबूरी रही होगी और आपको पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी, तभी आपसे ये गलती हो गई। देखिए मैडम, आपको सब कुछ पता चल गया है, लेकिन सच मानिए, मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस हादसे से बहुत पहले से कैमरे के सामने अपने बयान दे रहा था, चाहे आप पता कर लें। और मैं हमेशा कैमरे के सामने ही था, और मैं अंदर क्या करता? देखिए मैडम, कैमरा के सामने रहने से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। योर ऑनर, पिछली तारीख में हमारी काबिल दोस्त मिस उज्ज्वला ये साबित करने में लगी हुई थी कि छोटे मोटे झगड़ों में ऐसा कोई मोटिव नहीं होता कि जिसकी वजह से कोई किसी का खून कर दे। योर ऑनर, अब मैं अदालत में एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जिसकी वजह से कत्ल का मोटिव सामने आ जाएगा। मैं अदालत में
डॉक्टर मंजू टंडन को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आप क्या करती हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। किस चीज की? मैं गायनेक हूँ, जच्चा बच्चा स्पेशलिस्ट। इन्हें जानती हैं? हाँ, हिमांशु है। ये आपके हॉस्पिटल आए थे? जी हाँ, अपनी फ्रेंड मिस रोमा को लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि ये रोमा का एबॉर्शन कराना चाहते थे। आपने एबॉर्शन किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वही रोमा का और इनका झगड़ा होने लगा। रोमा कहना था कि ये बच्चा इनके प्यार की निशानी है, जबकि हिमांशु ये बच्चा नहीं चाहते थे। योर ऑनर, रोमा बच्चा चाहती थी, जबकि हिमांशु को अपनी इज्जत और जन जागरण मंच के अपने ओहदे का ख्याल था। इसीलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए और जन जागरण मंच का नाम ऊंचा रखने के लिए उसने रोमा का कत्ल कर दिया। लेकिन ऐन मौके पर मिस सैंड्रा और रोजी वहां पर पहुंची और ये रंगे हाथों पकड़े गए। योर ऑनर, मिस्टर गैरोला ने इस खून का मोटिव तो साबित कर दिया, लेकिन अब मैं इस अदालत में बताना चाहूंगी कि उस दिन एक नहीं, दो खून हुए। और वो पहला ही खून था जिसके चलते रोमा का कत्ल हुआ। उज्वला जी, अगर खून हुआ तो भाई किसका खून हुआ? लाश कहाँ है? कातिल कौन है बताइए। उस खून के एक नहीं बल्कि चार कातिल हैं। एक कातिल तो रोमा ही थी जो उसी दिन मर गई, और उसके अलावा तीन और कातिल आज यहां इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। और वो खूनी है स्पीड एलायंस के एमडी विजय मित्तल, कोरियोग्राफर मिस्टर मैट और शो के ऑर्गेनाइजर सैंडी। उज्वला जी कमाल है, अदालत में मैं पहली बार देख रहा हूं कि कातिलों की शिनाख्त तो हो गई लेकिन मरने वाला कौन है उसका नाम पता ही नहीं। मरने वाले का नाम है विश्वास। विश्वास? ये नया कैरेक्टर कौन सा सामने आ गया? ये कैरेक्टर नहीं, एक जज्बा है। योर ऑनर, उस दिन किसी के विश्वास का खून हुआ जो इन तीनों ने मिलकर किया। अपने प्रोडक्ट को सनसनीखेज तरीके से देश के प्रमुख न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर लाने के लिए स्पीड एयरलाइंस के एमडी विजय मित्तल ने रोमा का टॉप रैंप पर गिरवाने का नाटक रचा। इसके लिए एक मोटी रकम देकर रोमा को राजी करवाया सैंडी ने, और इस पूरे नाटक को कोरियोग्राफ किया मिस्टर मैक ने, जो देश के जाने माने कोरियोग्राफर हैं। मिस उज्वला, ये आप क्या कह रही हैं? बिना सबूत के देश के इज्जतदार नागरिकों पर कीचड़ उछालना आपको महंगा पड़ सकता है। तो कर दीजिए ना मुझ पर डिफेमेशन केस, काफी रकम मिलेगी, बहुत बड़े क्लाइंट हैं। लेकिन जरा इनसे भी तो पूछ लीजिए कि ये लोग आपसे अपना केस लड़वाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास तीन गवाह और मौजूद हैं योर ऑनर। और मेरे पहले गवाह हैं जन जागरण मंच के अध्यक्ष अभिलाष उपाध्याय। योर ऑनर, दौलत और शोहरत कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाले ये लोग इस कत्ल में बराबर के जिम्मेदार हैं। जी, कब तक आप पहेलियां बुझाइएगा? श्रद्धा और विश्वास के कातिलों को तो आपने बेनकाब कर दिया, अब रोमा का कातिल कौन है ये भी बता दीजिए। क्या करता है वो? नाम क्या है? कौन है वो? कोई डॉन है? कोई माफिया है? क्या है वो? कोई डॉन नहीं है, ना ही किसी माफिया से संबंध रखता है। वो एक आम आदमी है। वो शख्स है वो शख्स है
रोमा का पर्सनल बॉय बबलू। योर ऑनर, ये तो कभी पकड़े ही ना जाते अगर ये अपनी ज्यादा चालाकी ना दिखाते। जब इन्हें पता चला कि हिमांशु के छूटने और इनके फंसने के चांसेस हैं, तो इन्होंने जन जागरण मंच के अध्यक्ष अभिलाष उपाध्याय को फंसाने का नाटक रचा। जबकि मिस्टर अभिलाष उपाध्याय तो सारे समय लाइव कैमरा के सामने ही थे। इनका झूठ पकड़ने जब हम इनके घर पहुंचे तो वहां पर कटी पटी रोमा की कुछ तस्वीरें देखकर सच्चाई सामने आती दिखाई दी। करेगा अपनी मैडम की इतने साल सेवा करने के बाद ये उनका मर्डर क्यों करेगा? शायद उसके सामने रोमा का असली चेहरा आ गया हो। ऐसा ही था ना बबलू? देखो, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिस कांटे से तुमने रोमा का कत्ल किया वो रोमा का ही था और आइस बॉक्स तुम्हारे पास ही रहता था और हमें तुम्हारे घर से तुम्हारी शर्ट भी मिली है जिस पर रोमा के खून के छींटे हैं। सर जी, शर्ट तो धुली हुई लग रही है लेकिन छींटे इसके साफ नहीं हुए। बोलो बबलू। जवाब दो बबलू। मैडम का टॉप गिरने के बाद हमें बहुत झटका लगा था। हमने सोचा मैडम को चल के तसल्ली देनी चाहिए और ये सोचकर जब हम उनके मेकअप रूम में गए तो इट वाज अ ग्रेट शो सैंडी, सक्सेसफुल शो। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड कांग्रेट्स रोमा, तुमने सब कुछ इतना नेचुरल किया। इट वाज सो ग्रेट, यू वर ग्रेट चोमत, यू वर ग्रेट, फैबुलस, फैंटास्टिक। Thank you. Congrats, Thank Roma. You. अब तुम्हें सुपर मॉडल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। Of course. आपको अपने टॉप गिरने का कोई अफसोस नहीं? मैडम, हमने सोचा भी नहीं था कि आप पैसों के लिए इस हद तक गिर सकती हैं। अपने औकात में रहो तुम, समझे? मैडम का ये रूप देखकर मैं बहुत चक्का सा रह गया। नफरत हो गई हमें मैडम से। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई दौलत और शोहरत पाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। दिल में गुस्से की आग जलने लगी और हमने फैसला किया कि हम मैडम को सजा देंगे। खून कर दिया हमने मैडम का, मार दिया उसे जिसने नारी जाति के नाम पर कलंक लगाकर हमारे विश्वास का खून किया।